Welcome to the Mathematical Channel by Sajid Akhtar. This is the question of question number 13 from NCERT book Mathematics Miscellaneous Exercise. So now the question I have already written here: find the modulus and argument of the given complex number. Is given complex number ka modulus argument likhna hai. Lekin yahan pe ye jo complex number hai ye standard form mein nahi diya hua. Isko standard form mein pehle lana hoga. Uske baad modulus or argument nikalenge. To let it is equal to z is equal to 1 plus 2i minus 1 minus 3i. So aapko denominator ka conjugate se upar niche multiply karna hoga numerator and denominator mein. So ye conjugate of the denominator hai. 1 minus 3i ka conjugate ye hua. To isse numerator denominator mein multiply kijiyega. So multiply by conjugate of denominator, which is a complex number. And as you know that conjugate jo hota hai, conjugate jise hum log a plus ib, iska conjugate ka sign ye hua, and this is equal to a minus ib. अगर a माइनस आई बी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी. तो ये होता है. तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट इस फॉर्म का है a माइनस आई बी के फॉर्म का. उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 1 प्लस 3i एंड देन 2i प्लस 6i स्क्वायर. यहाँ a माइनस बी a प्लस बी है. यहाँ ए स्क्वायर माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर. आई स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस वन होता है. यहाँ पे वन प्लस फाइव आई, यहाँ पे माइनस सिक्स हो जाएगा. जैसे ही पुट कर देंगे आई स्क्वायर का वैल्यू. यहाँ पे पुट किए हैं हम लोग क्या, पुट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. देयर फॉर माइनस साइन इज कमिंग. सो वन माइनस नाइन आई स्क्वायर. तो आई स्क्वायर यहाँ पे आप पुट कीजिएगा. फिर अगेन माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन एंड माइनस सिक्स. तो माइनस फाइव आप लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा वन प्लस नाइन. तो इट इज फाइव आप कॉमन ले सकते हैं. ये फाइव है, फाइव कॉमन लीजिएगा. माइनस वन प्लस आई होल डिवाइडेड बाई टेन. यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस वन प्लस आई डिवाइडेड बाई टू. इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू आई. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. इसको हम लोग एक्स प्लस आई बाई भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है माइनस 1 बाई टू और वाई क्या आ रहा है 1 बाई टू. इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में माइनस 1 बाई टू और 1 बाई टू. डब्ल्यू आर हैमिल्टन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म के रूप में लिख एक्सप्लेन किए थे. तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो नाउ हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे. यानी आर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आप रूट अंडर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर एक्स के जगह में वही है और y की जगह में 1 बाई टू है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे. तो ये आपका माइनस 1 बाई टू होल इज 1 बाई फोर, ये भी 1 बाई फोर. तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 बाई फोर. ये कैंसिल हो करके 1 बाई टू, तो 1 बाई रूट टू आ गया. तो r इज इक्वल टू मोड z एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग यहाँ देखें ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको निकालना है. तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालिएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और मॉडुलस लीजिएगा. तो वाई यहाँ पे कितना है, वाई यहाँ वन बाई टू है और एक्स भी वन बाई टू है. तो ये कैंसिल हो जाएगा और मॉडुलस साइन है, ये मॉडुलस साइन. तो ये प्लस देगा, तो टेन 45 डिग्री. तो इसका मतलब थीटा के जगह में कितना आ रहा है 45 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ आर्गुमेंट इज
बिकॉज द कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, कम्प्लेक्स नंबर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 180 डिग्री से 45 डिग्री आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 135 डिग्री है। अब इसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो 45 थ्री टाइम्स और यहाँ पे फोर टाइम्स, तो 3π/4। तो देयर फॉर आर्गुमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज 3π/4 रेडियन, और मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर, इसको पोलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सो मॉडुलस इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस होल आंसर। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। नाउ आई एम मेकिंग ए स्मॉल वीडियो सो दैट दे more view will come, because in small videos views are coming a lot, and in very long video of mathematics student are getting bored, I think, but student will have to be very patient over it. So please like, share and subscribe, as share to your friends, and please hit the bell button. Thank you, bye bye. And in the next video, we will meet with the next question. Thank you.